Hey guys, it's Deepika and welcome to my channel. Welcome to this week's first DIY craft video. तो I know कि बहुत ज्यादा लंबा ब्रेक हो गया है न्यू वीडियो अपलोड करने में एंड लास्ट वीक में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज. बट डोंट वरी, अब से मैं रेगुलरली हर रोज शॉर्ट्स अपलोड करूंगी एंड जो हमारे सैटरडे संडे के लॉन्ग वीडियोज है वो भी अपलोड करूंगी. तो कल रात को मैंने एक पोल अपलोड करके आप लोगों को गेस करने के लिए कहा था कि आज के वीडियो में मैं कौन सा DIY क्राफ्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, टेक्सचर आर्ट या फिर एस्थेटिक डेकोर आइडियाज. तो बहुत से लोगों ने करेक्ट गेस किया है कि आज हम एस्थेटिक डेकोर पीसेस बनाएंगे. तो वीडियो बिना स्किप के एंड तक पूरा जरूर देखना. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो. यू कैन इवन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर डेली अपडेट्स. गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू वोंट मिस माय एनी वीडियो. एंड नाउ एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट DIY क्राफ्ट बनाने के लिए मैंने ऐसे कुछ कॉफी स्टिरर्स लिए हैं एंड ऐसे कुछ एस्थेटिक पेंटिंग्स के प्रिंट आउट्स भी निकाल लिए हैं. तो आप इन प्रिंट आउट्स की जगह पे इसको डायरेक्टली ड्रॉ भी कर सकते हो. तो कॉफी स्टिरर को स्केच के अकॉर्डिंगली स्टिक करने के लिए मैंने स्केच पर पहले एक OHP शीट रखी है ताकि हमारे जो कॉफी स्टिरर से वो पेपर पर स्टिक ना होकर इजीली निकल आए. तो अभी वन बाय वन हम कॉफी स्टिरर को हमारे स्केच के अकॉर्डिंगली साइज में कटर की हेल्प से कट करके एक दूसरे पर ग्लू की हेल्प से स्टिक करते जाएंगे. तो बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि हमारे पास तो कॉफी स्टिरर्स नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे ये क्राफ्ट. तो ये आप कॉफी स्टिरर की जगह पे न्यूज़पेपर के स्ट्रॉ बनाकर भी यहाँ पर यूज कर सकते हो या फिर एक थिक कार्डबोर्ड के पतले पतले स्ट्रिप करके भी ये क्राफ्ट बना सकते हो. तो ऐसे मैंने सारे कॉफी स्टिरर को हमारे स्केच के अकॉर्डिंगली एक दूसरे पर स्टिक कर दिया है एंड ऐसे ही फिर मैंने 4 आर्ट पीस ओवरऑल बना लिए हैं. पर अब सवाल आता है पेंट का, बिकॉज इस बार मैं बहुत कंफ्यूज थी कि ब्लैक कलर यूज करूं या फिर गोल्डन कलर. तो फिर मेरी रूममेट ने कहा कि ब्लैक कलर इस पर ज्यादा अच्छा दिखेगा एंड फिर इसीलिए मैंने पूरे आर्ट पीस को ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया. तो हमारा क्राफ्ट अभी ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रेडी हो गया है तो आप इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हो. सेकेंड क्राफ्ट बनाने के लिए मैंने एक A4 साइज की एक्रेलिक शीट ली है जो कि मैंने मीशो से परचेज की थी बहुत ही ज्यादा कम रेट में. तो आप एक्रेलिक शीट की जगह पे कोई भी थिक व्हाइट पेपर भी इसमें यूज कर सकते हो. तो सबसे पहले मैंने एक्रेलिक शीट को चारों साइड से पेंसिल एंड स्केल की हेल्प से आउटलाइन कर लिया है ताकि हमारा जो स्केच है वो एक्यूरेट बने. तो कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना करूँ, सिर्फ आराम करती रहूँ, पर ये तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज जॉब से आने के बाद घर के काम एंड फिर बचे हुए समय में क्राफ्ट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं. तो ऑनेस्टली हर बार कुछ नया आइडिया सोचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है बिकॉज जो क्राफ्ट आइडिया मैं सोच रही हूँ हमारा क्राफ्ट भी वैसे ही बनेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. पर फिर भी हर बार मुझे कुछ नया ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है एंड इसलिए फिर मैंने इस बार सोचा कि जो मैंने इतने टाइम से ब्रश पेंट्स लेके रखे हैं उससे आज कुछ बनाते हैं. तो बहुत दिमाग लगाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि एक गिटार की पेंटिंग बनाते हैं बिकॉज मुझे गिटार बहुत ज्यादा पसंद है. हालांकि मुझे वैसे गिटार बजाना उतना आता नहीं है पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मैं गिटार बजाना सीख जाऊंगी एंड आप लोगों को भी सुनाऊंगी. खैर पता नहीं अब वो दिन कब आएगा,
पर तब तक मैं गिटार की पेंटिंग ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रश पेंस यूज करके पूरे गिटार को मैंने पेंट कर दिया है एंड फिर ब्लैक ब्रश पेन की हेल्प से ही पूरे स्केच को आउटलाइन भी कर दिया है। अब मैंने गोल्डन एंड सिल्वर ग्लिटर पेन से कुछ पोर्शंस में ऐसे सिंपल सिंपल डिजाइंस भी बनाए हैं ताकि ये हमारे जो स्केच है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे। तो देखो बातों बातों में हमारे एस्थेटिक गिटार की पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इतनी सुंदर पेंटिंग हमने बनाई है तो उसको कहीं पर भी ऐसे ही तो नहीं हम डेकोरेट कर सकते ना, तो चलो इसके लिए अब हम एक फ्रेम भी बना लेते हैं। तो ऐसे कुछ न्यूज़पेपर के स्ट्रॉ मैंने पहले से ही बनाकर रखे थे एंड अब मैंने टू पेपर स्ट्रॉ को ग्लू की हेल्प से एक दूसरे के साथ स्टिक कर दिया है। तो ऐसे मैंने चार पेपर स्ट्रॉ के पीसेस तैयार कर लिए हैं एंड अब हम इनको ग्लू की हेल्प से हमारी पेंटिंग पर चारों साइड पर स्टिक कर देंगे। पेपर स्ट्रॉ को पेंटिंग पर स्टिक करने से पहले मैंने इसको ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है। पेपर स्ट्रॉ को फ्रेम के पैटर्न में पेंटिंग पर स्टिक करने के बाद हम इसके जो एक्स्ट्रा एजेस है उसको भी सीजर के हेल्प से कट कर लेंगे। अब आप इसका फाइनल रिजल्ट देख लो। थर्ड क्राफ्ट बनाने के लिए मैंने ऐसे कुछ पतले पतले कार्डबोर्ड के स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं एंड उसी के साथ टू रेक्टेंगुलर शेप कार्डबोर्ड भी कट कर लिया है। अब मैंने ऐसे थ्री कार्डबोर्ड स्ट्रिप को रेक्टेंगुलर पैटर्न में रखकर ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दिया है। तो ऐसे मैंने ओवरऑल टू पीसेस बनाए हैं। उसके बाद हमने जो रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया था उसको भी ग्लू की हेल्प से एक दूसरे पर स्टिक कर देंगे ताकि हमें एक थिक कार्डबोर्ड का बेस मिले। कार्डबोर्ड अच्छे से एक दूसरे पर स्टिक करने के बाद मैंने ऐसी एक एक्रेलिक शीट ली है एंड उसको भी ग्लू की हेल्प से तीनों कार्डबोर्ड पीसेस पर स्टिक कर दिया है। तो जैसे हम कैनवस बनाते हैं वैसे ही हमें एग्जैक्टली इस पेपर को कार्डबोर्ड के ऊपर स्टिक करना है। तो मैंने आज ओवरऑल टू क्राफ्ट्स में एक्रेलिक शीट इसीलिए यूज की है बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा थिक होती है एंड ये बिल्कुल एकदम कैनवस बोर्ड के जैसे ही काम करती है इसीलिए। तो सारे कार्डबोर्ड पीसेस पर एक्रेलिक शीट स्टिक करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब बारी आती है पेंटिंग की। तो सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल पीस को ब्लैक एक्रेलिक कलर से अच्छे से पेंट कर दिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड की फ्रेम बनाई है यानी कि कार्डबोर्ड की फ्रेम यूज की है तो उनको वुडन लुक देने के लिए मैंने डार्क ब्राउन एंड चॉकलेट ब्राउन कलर यूज किया है। तो आप कार्डबोर्ड फ्रेम की जगह पे रियल वुडन की भी फ्रेम बनाकर यूज कर सकते हो ताकि आपको फिर ऐसे पेंट ना करना पड़े। अब हम इसके अंदर एक डूबता हुआ सूरज पेंट करेंगे। तो आज के जितने भी क्राफ्ट्स हैं वो सारे मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड इजी रखे हैं ताकि आपको इसको बनाने में ज्यादा टाइम ना लगे। तो एक ट्रायंगल शीट पर सन ड्रॉ करने के बाद मैंने रेक्टेंगुलर एक्रेलिक शीट पर कुछ सिंपल सिंपल एरो वाले पैटर्न्स बनाए हैं। एक्चुअली ये रेक्टेंगुलर शीट पर मैंने जो डिजाइन्स बनाए हैं इसमें मैंने बाद में कुछ चेंजेस किए थे बिकॉज इसके जो कलर्स है वो मुझे कुछ इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगे जब ये पूरा आर्ट पीस बन के रेडी हो गया। तो इसमें जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो आपको फाइनल रिजल्ट में दिख जाएंगे।
अब थर्ड ट्रायंगल पर भी हम एक ब्लैक एक्रेलिक कलर से डूबता हुआ सूरज बना देंगे। फाइनली हमारे तीनों एक्रेलिक शीट पर पेंटिंग सभी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप इसका फाइनल रिजल्ट देख लो। कि आपका आज के मेरे सारे DIY क्राफ्ट आइडियाज पसंद आए होंगे, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट दैट इन टुडेज वीडियो विच DIY क्राफ्ट यू लाइक द मोस्ट। तो इसमें से अगर आप कोई भी आइडिया रिक्रिएट करते हो, सो मेक श्योर टू टैग मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड या शॉर्ट्स तो मैं हर रोज अपलोड करती हूँ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।